पापा के लिए आखिरी बार गाना गाती नजर आई वंशिका कौशिक। वीडियो देख आपके भी आंखों में से आ जाएंगे आंसू। सतीश कौशिक आज भले ही इस दुनिया में न रहे हो, लेकिन उनकी यादें आज भी उनके फैंस और उनके चाहने वालों में बसी हुई है। आज हर कोई सतीश कौशिक को याद कर रो रहा है दोस्तों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सतीश कौशिक का जब आखिरी समय था तो उस दौरान उन्होंने किसे याद किया था? जब सतीश कौशिक के मैनेजर ने उनके आखिरी समय के बारे में बताया तो हर किसी की आंखें भर आई। दरअसल उनके मैनेजर संतोष ने सतीश कौशिक से जुड़ा पूरा किस्सा बताया कि उनके आखिरी रात क्या हुआ था। आखिरी समय में सतीश कौशिक ने अपना सिर संतोष के कंधे पर रखा और कहा, संतोष मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। हम 8 मिनट में अस्पताल पहुंच गए क्योंकि शायद होली की वजह से सड़क खाली थी, लेकिन जब तक हम अस्पताल में दाखिल हुए वो बेहोश हो चुके थे। उन्होंने मुझे पकड़कर और कहा, मुझे वंशिका के लिए जीना है, मुझे लगता है मैं नहीं बचूंगा, शशि और वंशिका का ख्याल रखना। दरअसल दोस्तों हमेशा से ही सतीश कौशिक को अपनी छोटी बेटी वंशिका को लेकर काफ़ी फिक्र रहती थी। वंशिका जो अब 11 साल की है और उसने काफ़ी कम उम्र में ही अपने पिता को खो दिया है और इसी बात का दुख हर किसी को हो रहा है। और इसी बीच अब वंशिका का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जहां वो फादर्स डे पर अपने पिता के लिए गाना गाती देखने को मिल रही है। यह गाना सुनकर अब हर कोई वंशिका के लिए इमोशनल हो रहा है। वैसे दोस्तों यह आखिरी वीडियो हम आपको भी दिखा देते हैं, तो देखिए वीडियो में।